हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सरिता और आज मैं आप साथ शेयर करने जा रही हूँ हेवी हेयर ऑयलिंग की वीडियो। तो गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए हेवी हेयर ऑयलिंग की वीडियो। बालों में हेवी हेयर ऑयलिंग करने के लिए सबसे पहले एक टॉवल की हेल्प से आप अपने क्लोथ्स को सिक्योर कर ले, ताकि आपके क्लोथ्स पर ऑयल ना गिरे और आपके क्लोथ्स डर्टी ना हो। और उसके बाद अपने हेयर के अंदर से हेयर एसेसरीज को रिमूव कर लें, और उसके बाद अपने बालों को दो सेक्शन में टेलकॉम या अपने फिंगर की हेल्प से दो सेक्शंस में डिवाइड कर लें। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ पैराशूट का हेयर ऑयल, कोकोनट ऑयल में, या पैराशूट का कोकोनट ऑयल मैं यहाँ पर यूज़ करें। इस तरह से आप बाउल में भी लेकर यूज़ कर सकते हैं। अभी विंटर्स हैं तो इसलिए आप थोड़ा सा वार्म कर ले। वैसे तो ल्यूक वार्म ऑयल जो होता है हेड के लिए, मसाज के लिए और ऑयलिंग के लिए बेस्ट होता है। यहाँ मैंने अभी अपने बालों को दो सेक्शन में डिवाइड कर लिया, और देखिए थोड़ा सा हल्का सा जम गया था क्योंकि मैंने कॉटन डाली हुई थी। तो आप थोड़ा सा गर्म करें पानी, गर्म पानी में रखें ऑयल को, तो वो जमेगा नहीं क्योंकि विंटर्स होती हैं। इस तरह से छोटे छोटे सेक्शंस लेते हुए आप कॉटन की हेल्प से या बॉटल को डायरेक्टली आप डाल सकते हैं। इस तरह से आप डाल करके अच्छा अच्छा मसाज स्कैल्प पर करिए, फिंगर के टिप से मसाज करिए। ये देखिए जिस तरह से मैंने छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करते हुए ऑयलिंग की है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं और डायरेक्ट बॉटल की हेल्प से भी आप कर सकते हैं। आगे मैंने बॉटल से भी किया है। तो मैं आपको साथ साथ बालों में हेवी हेयर ऑयलिंग के कुछ बेनिफिट्स भी आपके साथ शेयर करती हूँ। बालों की अच्छी से अच्छी देखभाल न करने से बाल मोस्टली झड़ने लगते हैं और आपको डैंड्रफ और स्प्लिटेंस की प्रॉब्लम होने लगती है। ये समस्या मोस्टली आम होती है क्योंकि बालों में ऑयलिंग नहीं होती है। ये देखिए मैं अभी बॉटल से डायरेक्ट कर रही हूँ। और लंबे और मजबूत बाल सभी को पसंद होते हैं, तो हम सभी हेल्दी बालों को हेल्दी बनाने के सीक्रेट्स जानना चाहते हैं। तो सबसे बेस्ट सीक्रेट यही है अपने बालों में ऑयलिंग करना। बालों को हेल्दी बनाने का सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपने बालों में ऑयलिंग करते रहें। सबसे बेस्ट सीक्रेट है आपके बालों को हेल्दी बनाने के लिए। बालों में तेल लगाना बहुत ज़रूरी होते हैं, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि पहला फ़ायदा है कि आपको डैंड्रफ बिल्कुल भी नहीं होगी अगर आप ऑयलिंग करेंगे अपने स्कैल्प पर। अच्छे से ऑयलिंग करते हुए मसाज करते रहिए, और मंथ में एक बारी हैवी हेयर ऑयलिंग आप ज़रूर करिए, क्योंकि आपके स्कैल्प के लिए, बालों के लिए, आपके हेड के लिए, आपकी पूरे जो आपकी जो डैंड्रफ या जितने भी आप बालों से समस्या जितनी जुड़ी होती हैं उन सबको दूर करता है हैवी हेयर ऑयलिंग। तो डैंड्रफ की समस्या को ख़त्म करता है, स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, क्योंकि जब स्कैल्प हेल्दी होगी तो आपके बाल हेल्दी व मजबूत और घने बने रहेंगे। और दूसरा है बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। रेगुलर ऑयलिंग करते रहने से आपकी ग्रोथ जो होती है वो बढ़ती रहती है, आपको हेल्प होती है आपके बालों को लंबा और घना बनाने के लिए। तीसरा है फिजी बालों को कंट्रोल करता है। जब अपने बालों में आप हेयर ऑयलिंग करेंगे तो आपके बाल फ्रिजी नहीं होंगे और उलझेंगे भी नहीं। तीसरा है हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, क्योंकि आपके बालों को पूरा पोषण मिलेगा तो आपके बालों में हेयर फॉल की समस्या नहीं होगी, जो कि विंटर्स में बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो इसीलिए आपको ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और बालों को आप, और सबसे इम्पॉर्टेंट है, फिफ्थ एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके बालों को शाइन देता है, आपके बालों में शाइन को बनाए रखता है हेवी हेयर ऑयलिंग। ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है, तो ऑयलिंग आप करते रहें तो आपको ना तो कोई समस्या होगी और आपके बाल एकदम शाइनिंग और हेल्दी रहेंगे ऑयलिंग के बाद। इस तरह से जैसे मैंने आपको मसाज बताई है, अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से इस तरह से सर्कुलर मोशन में इस तरह से आप करते रहिए, अंदर बहुत ही स्लो स्लो एंड सर्कुलर मोशन में इस तरह से मसाज करते रहिए। और जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि नीचे के बालों में भी आप ऑयलिंग करते रहिए। देखिए नेक के पीछे वाले पोर्शन में भी आप अच्छे से फिंगर टिप्स की हेल्प से मसाज करते रहिए, और मसाज 5 मिनट मसाज करने के बाद आप ये देखिए कान के पीछे भी
इस तरफ भी मसाज करिए। और आप ये देखिए, मैंने यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोनों साइड आप मसाज करिए इस तरह से भी, और आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा हेवी हेयर ऑयलिंग के बाद। मसाज लेने के बाद आपका एकदम हेड एकदम बिल्कुल लाइट फील करेंगे और बहुत अच्छा लगेगा ल्यूक वॉर्म ऑयल से आपको मसाज लेने के बाद। और नीचे के बालों को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, अच्छे से ऑयलिंग करिए यहाँ पर भी, क्योंकि नीचे के बाल सबसे ज़्यादा रफ और फिजी होते हैं। तो इस तरह ऑयलिंग करने के बाद आप अपने बालों को टाई कर लें, और उसके बाद आप 2 घंटे के बाद इस तरह रखें और अपना जैसे नॉर्मल शैम्पू कंडीशनर करते हैं उस तरह से आप करिए।